हेलो स्टूडेंट, आज क्लास बीएससी सेकेंड ईयर के लिए यूनिट सेकेंड का टॉपिक अल्कोहल स्टार्ट कर रहे हैं। तो अल्कोहल सबसे फर्स्ट जो बात आती है अल्कोहल की डेफिनेशन यानी मतलब परिभाषा। तो परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल से एक या अधिक, वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएं, डिस्प्लेस हो जाएं और उनकी पोजीशन पर कौन आ जाए, ओ एच ग्रुप जुड़ जाए, या अपन ये बोल दें कि हाइड्रोकार्बन में से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु ओ एच ग्रुप द्वारा विस्थापित हो जाए तो बने यौगिक को अल्कोहल कहते हैं। आगे जो बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का वर्गीकरण। तो इस वर्गीकरण में क्या है कि जो OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप की संख्या के आधार पर, वर्गीकरण किया गया है। और इस वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन में क्या है कि फर्स्ट जो आता है मोनोहाइड्रिक आता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यानी मतलब यहाँ पर क्या है कि एक OH ग्रुप उपस्थित है, यानी कि कार्बन चेन में एक हाइड्रोजन किसी एक OH ग्रुप के द्वारा रिप्लेस होता हो। जैसे अपना एग्जांपल ने मैथेनॉल है, एथेनॉल है, मैथेनॉल और एथेनॉल। फिर नेक्स्ट जिसका टाइप आता है वो आता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल में क्या है कि जो हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल में से दो एच हाइड्रोजन विस्थापित हो और वहाँ पर दो OH ग्रुप जुड़ जाएं। जैसे एग्जांपल एथिलीन ग्लाइकोल CH2OH और CH2OH। थर्ड आता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल में से तीन एच हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होते हैं और उनके स्थान पर तीन OH ग्रुप जुड़ते हैं। जैसे एग्जांपल लें ग्लिसरॉल CH2OH, CHOH और CH2OH। ऐसे ही क्या है, अगला आता है फोर्थ पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक में क्या है कि हाइड्रोकार्बन में से क्या है कि मोर देन थ्री हाइड्रोजन OH ग्रुप के द्वारा रिप्लेस होंगे, या अपन शॉर्टकट में सीधा बोल दें कि जब हाइड्रोकार्बन में क्या हो, तीन OH ग्रुप से अधिक ग्रुप जुड़े हुए हों। जैसे एग्जांपल हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल की बात करें तो हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मूला CH2OH, CHOH, CHOH, CHOH और CH2OH होता है। नेक्स्ट आगे बात आती है, फिर से अपन थोड़ा सा मोनोहाइड्रिक की तरफ आते हैं। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में अपने अभी पढ़ा है कि एक OH ग्रुप होता है और इसे हाइड्रोकार्बन चेन होती है। तो हाइड्रोकार्बन चेन की जो कौन सी हाइड्रोकार्बन चेन है उसके नेचर के आधार पर इस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करते हैं तो अपन जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन की चेन तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है कि एल्कीन और एल्काइन। तो इस बेस पर क्या है कि एल्कीन चेन आएगी तो एल्किनोल बनेगा, एल्कीन चेन आएगी तो एल्किनोल बनेगा और एल्काइन चेन आएगी तो एल्किनोल बनेगा। अब इनमें क्या होता है कि एल्केन चेन जो होती है अपने को पता है सैचुरेटेड होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जब OH ग्रुप, एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उस कंडीशन में क्या रहेगा कि क्या बनेगा कि एक, जैसे अपना एग्जांपल लें एथेनॉल, प्रोपेनॉल। फिर बात आती है एल्किनोल की, तो एल्किनोल में बात करें तो एक OH ग्रुप जुड़ता है लेकिन इसमें जो कार्बन चेन होगी वो अनसैचुरेटेड, इन दोनों में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाली चेन होती है। अब जैसे इसमें एल्कीन है तो एल्कीन में क्या होगा कि डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन चेन से
OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, एग्जाम्पल प्रोपिनोल। इसी तरह से एल्काइनोल की बात करें तो एल्काइनोल में जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है वो ट्रिपल बॉन्डेड होगी और इसमें क्या है कि OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, जैसे प्रोपाइनोल। अब नेक्स्ट आगे बात आती है कि जो एल्कोहल है, एल्केनोल है, एल्केनोल की बात करें तो एल्केनोल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं आगे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केनोल में, और ये क्लासिफिकेशन किस बेस पर है कि जो OH समूह से जुड़े हुए कार्बन परमाणु की प्रकृति है, यानी कि OH जो ग्रुप है वो कार्बन चेन में, OH ग्रुप जो है वो कार्बन चेन, या अपन ये बोलते हैं हाइड्रोकार्बन में किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अपने को पता है कि जो कार्बन चेन होती है उसमें सभी प्रकार के क्या मिलते हैं, कार्बन मिलते हैं। जैसे किनारे वाले जो भी कार्बन होते हैं वो 1 डिग्री होते हैं, जिसे अपन प्राइमरी बोलेंगे। इसी तरह से अगर कोई सी कार्बन एटम की क्या है कि 2 साइड कार्बन हो तो वो 2 डिग्री होता है, और 3 साइड कार्बन से घिरा हुआ तो वो 3 डिग्री होता है। तो इस बेस पर क्या है कि ये इनका क्लासिफिकेशन है। अगर क्या है कि OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन पर जुड़ता है तो वो प्राइमरी एल्कोहल, 2 डिग्री पर जुड़ता है तो वो सेकेंडरी एल्कोहल, और 3 डिग्री पर जुड़ता है तो वो टर्सरी एल्कोहल। ये 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, ये 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, और ये 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। अब इनका जनरल फॉर्मूले की बात करें तो एल्केनोल का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+1OH होता है। तो एल्केनोल का क्लासिफिकेशन प्राइमरी एल्कोहल, जिसमें एक OH ग्रुप है जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, जैसे अपना एग्जाम्पल जनरली जानते ही हैं, मैथेनोल है, एथेनोल है, प्रोपेनोल, बीटोनोल एसेट्रा। इसी तरह से सेकेंड बात आती है सेकेंडरी एल्कोहल, यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल, जिसमें OH ग्रुप जो है वो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ होगा कार्बन चेन में, और इसमें क्या है कि CHOH ग्रुप, ये ग्रुप बनता है, ये ग्रुप होगा। जैसे अपने एग्जाम्पल लें तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसी तरह से थर्ड जो आता है, थर्ड आता है टर्सरी एल्कोहल, यानी कि 3 डिग्री एल्कोहल। इसमें जो OH ग्रुप है वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, और इसमें जो समूह आता है वो ये समूह बनता है, और इस समूह के कारण इसमें जो आएगा, जो एल्कोहल बनेंगे वो क्या होंगे, जैसे अपने एग्जाम्पल लिया एक छोटा, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। अब इसके बाद जो बात आती है कि एल्कोहल का नामकरण, नामकरण की बात करें तो नामकरण में इनकी 3 पद्धतियां हैं, वही पुरानी पद्धतियां अपन जो पढ़ते आए हैं, रूढ़ पद्धति, व्युत्पत्त पद्धति या कार्बिनोल पद्धति, और IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम, अब इनका क्या है कि रूढ़ पद्धति है, ये नेक्स्ट डे पढ़ेंगे,